गुड मॉर्निंग गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज मैं हूँ विलेटा में। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे होगे ये पूरा विलेटा का सीन है। सामने यहाँ पर आपको फाउंटेन दिखेगा एक बहुत बड़ा। साथ में अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आप उस साइड देखोगे तो आपको कुछ शॉप है यहाँ पर, इंडियंस की भी है यहाँ पे और कुछ माल्टीज शॉप है। यहाँ से अगर आपको कुछ भी खाना पीना हुआ तो आप खा सकते हो। और इसके पीछे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ का बस स्टैंड, जो कि सबसे बड़ा है। मतलब मोस्टली जो बसें आती हैं वो सभी यहीं पर आती हैं और बहुत ही प्यारी जगह है। आप अगर माल्टा में आए हो तो एक बार आपका विजिट करना ज़रूर बनता है। तो चलो मैं आप लोगों का आज पूरा सीन दिखाऊंगा यहाँ का कि क्या सीन है, तो मेरे साथ बने रहना। तो ये है पूरा फाउंटेन का व्यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर बैठ के फ़ोटो खिंचाते हुए मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं फ़ोटो वगैरह के लिए। आप लोग जब भी आओ यहाँ पर आप अपनी वीडियो और फोटो आप कुछ भी बना सकते हो। और साथ में यहाँ पर कुछ आई थिंक इनका कोई फेस्टिवल है, तो उस फेस्टिवल को लेकर इन्होंने कुछ बसें यहाँ पर खड़ी की हुई हैं। मुझे नहीं पता अब ये मतलब क्या फेस्टिवल है इनका, और ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, ये चलती नहीं है। जो विंटेज अब बसें होती थी वो मोस्टली ऐसे ही होती थी। और यहाँ से शुरू होता है पूरा विलेटा का सीन। और ये ओपन रेस्टोरेंट है सारे, यहाँ पर बाहर बैठ कर लोग ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं। और एक बार आप लोग ये नज़ारा देखो, जितनी भीड़ यहाँ पर है ये देखो, ये इतनी भीड़ आज है वीकेंड की वजह से। साथ में एक और भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक कुछ तैयारी कर रहे हैं अपनी। ये भीड़ आपको हर रोज़ मिलेगी, चाहे आप मंडे को आओ या फिर सैटरडे को आओ, ऐसी भीड़ आपको नॉर्मली मिल जाए। क्राउडेड प्लेस है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग भी आकर एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। और इस साइड आई थिंक कोई स्ट्रीट है जहाँ से आपको थोड़ा सा बीच का व्यू भी दिखेगा। आई थिंक यहाँ से फ़ोन से नहीं दिखेगा वो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी मैं आप लोगों को एक सीधा एक बीच पे ही लेके जाऊंगा। और आगे एक फंक्शन चल रहा है, आई थिंक डीजे वगैरह काफ़ी तेज़ है, तो उसकी वॉइस मैं बंद कर देता हूँ अभी उस टाइम के लिए। मोस्ट ऑफ़ द माल्ट आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप इंजॉय कर सकते हो माल्टा को। बाकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चलते हैं हम नीचे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है यहाँ का समंदर। और जो फेरी वगैरह है यहाँ पर वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा आज। ये
ये है पूरा समुंदर, ये तो मतलब एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप उस साइड जाओगे तो आप लोगों को पूरा समुंदर खुला दिखाई देगा। और ये सभी ओपन रेस्टोरेंट, यहाँ पर बहुत ओपन रेस्टोरेंट में आपको मिलेंगे और मोस्टली लोग बाहर बैठ के ही इंजॉय करते हैं। जो भी लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, किसी को कुछ खाना है, तो वो सब बाहर ही बैठते हैं। और ये पूरी शायद टूरिस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये है यहाँ का व्यू, आप लोग देखो। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर रोड क्रॉस आप ऐसे नहीं कर सकते, आप लोगों को जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होगी वहीं से करनी होगी। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है और पीछे अगर आप वहाँ देखोगे तो आपको एक फेरी दिखाई देगी। मोस्टली जो लोग यूरोप जाते हैं उन लोगों को सिर्फ फेरी या फिर एयरप्लेन के थ्रू ही जा सकती है, क्योंकि बस और ट्रेन की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो मोस्टली लोग जो इटली घूमने के लिए जाते हैं इस फेरी से जाते हैं, और इसकी टिकट आई थिंक कुछ 9-10 यूरो के आसपास की है। तो आप लोग भी घूमने जा सकते हो फेरी पर, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 1-2 यूरो में आप पूरा माल्टा भी घूम सकते हो। और यहाँ से भी अलग एक और व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि ऊपर जाने के बाद आपको दिखाई देगा। वहाँ हम लोग जाएंगे ऊपर, वहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है माल्टा का। और बीच में ये इतनी बड़ी इन्होंने रिंग लगा रखी है, आई डोंट नो किस पर्पज़ के लिए लगाई है इन्होंने, बट बहुत ही बड़ी है, मतलब हद से भी ज़्यादा बड़ी है रिंग। और ये सारा व्यू है हमारे माल्टा का। वलेटा को क्रॉस करने के बाद आप साइड में आओगे तो आप लोगों को ऐसा व्यू दिखाई देगा यहाँ पे, और आप लोग यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हो माल्टा को भी। उस साइड आई थिंक वो लाइट हाउस है जहाँ तक मुझे, यस दिस इज़ लाइट हाउस इन माल्टा, बट आई थिंक वहाँ पर जाना किसी का पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि इन्होंने बंद कर रखा है शायद ये पुल। जी आपकी वलेटा, और जो भी लोग माल्टा आने के लिए सोच रहे हो तो ऐसे व्यू के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और वो खड़े हैं अपने निशार भाई वहाँ पर, आई थिंक फ़ोन पे लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बट कोई नहीं। बाकी और भी बहुत कुछ है दिखाने को, वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए मैंने सिर्फ वलेटा के बारे में ही दिखाना था आपको कि वलेटा में क्या क्या है,
कैसा यहाँ का व्यू है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोगों ने आज की ब्लॉग में देखा कि कैसे माल्टा का जो वलेटा शहर है कैसा दिखाई देता है। बाकी और भी बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर मैं पूरा वलेटा आप लोगों को दिखाना स्टार्ट किया मैंने तो पूरा दिन ही इसमें निकल जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ मैंने वलेटा की आपको थोड़ी सी जगह दिखाई है जहाँ पर आप घूम फिर सकते हो, बाकी वलेटा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।